जी, मैं मेरा नाम डॉक्टर अफसर अली भट्टी है, मैं प्रोफेसर हूँ सर्जरी में। मैं मॉर्निंग टाइम पे जनरल हॉस्पिटल लाहौर में, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी काम कर रहा हूँ, और इवनिंग पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। जी, सर्जरी की जो कंडीशंस हैं ना, जो पेशेंट रेफर होते हैं सर्जन्स को, उसमें मेनली जो प्रेजेंट करते हैं लोग, वो तो स्वेलिंग्स के साथ करते हैं या लम्प्स होते हैं बॉडी में। जैसा सपोज़ ये पेशेंट के नेक पे एक स्वेलिंग हो गई, तो वो थायराइड डिजीज़ हैं, उसमें थायराइड की डिजीज़ को आगे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये बिनाइन डिजीज़ हैं कि ये कैंसर डिजीज़ हैं। तो यंग फीमेल भी प्रेजेंट कर सकती हैं, ओल्ड मिडल एज भी कर सकती हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ को आयोडीन डेफिशिएंसी से बहुत बड़े बड़े गोइटर, बड़ी स्वेलिंग्स हो जाती हैं। कुछ बच्चियों में आयोडीन की कमी से छोटे गोइटर्स होते हैं, तो वो मेडिसिन देने से भी ठीक हो जाते हैं अगर अर्ली प्रेजेंट करें तो। लेकिन कुछ फीमेल्स या मेल वो लम्प से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो बेसिकली कैंसर्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को जल्दी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये कोई बेनाइन चीज़ है या ये वो कैंसर को जन्म ले रहा है। जी, थायराइड सर्जरी जो है ना, ये बड़ी वास्ट सर्जरी है। इसमें पेशेंट जब प्रेजेंट करते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा पेशेंट तो जिस एरिया में आयोडीन की कमी होती है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर उसको कहते हैं, कि वो आयोडीन की कमी की वजह से उनके थायराइड पे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे वो, क्योंकि आयोडीन की वाटर में कमी होती है या वो आयोडाइज साल्ट नहीं ले रहे हो, तो वो जब प्रेजेंट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्वेलिंग्स और गोइटर के साथ करते हैं। अगर अर्ली प्रेजेंट करें तो आयोडीन रिप्लेसमेंट कर दें या थायरॉक्सिन टैबलेट दे दें, तो वो रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन यूजली हमारे मुआशरे में पेशेंट जो है ना, वो लेट आते हैं, वो नॉडुलर स्टेज पे होते हैं, बड़े बड़े नड्यूल बन जाते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते, तो उनकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है, उसको थायराइड को निकालना पड़ता है। थायराइड की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, कुछ बीमारियाँ जो बेनाइन है, को जिस तरह आयोडीन डेफिशिएंसी मैंने बताया कि उसकी वजह से गोइटर बन जाते हैं, कुछ शुरू से ही वो कैंसर सेल्स जो है ना, वो ट्यूमर बना रहे होते हैं, तो वो जिस तरह पेपिथेली कार्सिनोमा है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, एनाप्लास्टिक है, उसके डिफरेंट नाम्स हैं, नेम्स हैं उनके, तो वो टोटली डिफरेंट फील्ड है, उसमें थायराइड सर्जरी करनी पड़ती है और पूरा वो थायराइड ग्लैंड ही निकालना पड़ता है। गॉल ब्लैडर सर्जरी इट्स अ वेरी कॉमन सर्जरी, इसमें एवरी थर्ड फीमेल एंड नाउ डेज मेल भी सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली ये फीमेल की डिजीज़ थी, लेकिन हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो इतनी चेंज हो गई हैं कि अब मेल पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं, वो स्टोन्स जो है ना, वो अगर पड़े शुरू शुरू में तो वो साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं कहते, वो पेशेंट समझ रहा होता है ये मुझे कोई मैदे की तकलीफ़ है या उसमें गैस हो जाती है पेट में, तो उसको इग्नोर करता रहता है। लेकिन कई दफ़ा वो उसकी गॉल ब्लैडर की नेक में स्टोन फंस जाते हैं जाके, तो फिर वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसकी सोजिश शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। कई दफ़ा वो क्रॉनिक पड़े रहते हैं, कई कई साल पड़े रहते हैं, लेकिन लोग होम्योपैथी के कतरे पीते रहते हैं, तो उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, उसमें म्यूकोसील गॉल ब्लैडर उसमें हो सकता है, एम्पाइमा, उसमें रेशा पड़ सकता है पित्ते के अंदर, इवन के पिता फट भी सकता है, रप्चर हो जाता है कई दफ़ा। अगर वो स्टोन खुदा न खास्ता स्लिप हो गए उसकी मेन डक्ट में आ जाए नीचे, तो उन पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस हो जाता है, वो यरकान के साथ प्रेजेंट करते हैं। इवन के सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि वो अगर स्टोन नीचे आके पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है, ब्लब लबा वाली डक्ट, उसको ब्लॉक कर दे, तो पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, और पैंक्रियाटाइटिस की मॉर्टेलिटी जो है, मतलब कि उसमें पेशेंट 50% खुदा नखास्ता अपनी जान भी गवा सकते हैं। इसलिए इसको लोग सिंपल ना लें। गॉल ब्लैडर जब भी उसमें स्टोन डिटेक्ट हो जाए और वो सिम्टोमेटिक हों, सिम्टम काज कर रहे हों, तो उसको हमेशा निकलवा दें।
अपेंडिसाइटिस बेसिकली अपेंडिक्स जो है ना, बड़ी आंत जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, उसको सीकम कहते हैं। उसके बिल्कुल साथ लगी होती है ये, इसे वेस्टिजियल पार्ट कहते हैं। लोग कहते हैं कि यूजलेस होती है, लेकिन इसका कोई इससे पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि जो इम्यून सिस्टम है ना, किसी डेवलपमेंट के दौरान ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन अब उसके बाद ये इसका जो ल्यूमन होता है वो बड़ी आंत के साथ कम्युनिकेशन होती है। अगर उसके अंदर कोई फिकोलिथ कोई चीज़ फंस जाए, कोई वर्म फंस जाए या किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तो इसकी सिक्रीशन जो है ना वो ड्रेन नहीं होती बड़ी आंत के अंदर, तो ये फिर सूजना शुरू है, इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। जब इन्फेक्शन होती है तो वो बड़ी फिर डेंजरस होती है, कई दफ़ा ये रप्चर हो जाती है। तो इसका सारा जो जितना भी वो फीकल मैटर गंद है वो पेट में पड़ता है, तो वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। तो इसके सिम्टम बड़े कॉमन होते हैं कि यूजली ये इसे कहते हैं पेरी एम्ब्लाइकल पेन, बेली बटन के अराउंड पहले पेन होती है, फिर शिफ्ट होती है पेट के नीचे वाले हिस्से में, राइट लिक फोसा हम कहते हैं उसको। तो पेन इन द पेरी एम्ब्लाइकल रीजन देन शिफ्टिंग टू राइट लिक फोसा इज अ टिपिकल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि ये वाकई अपेंडिक्स से अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं और भी उसके ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं। बेसिकली इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। बेरियाट्रिक सर्जरी भी वो मैंने जैसे पहले बात की थी कि हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, हम खाई जा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज कोई नहीं है और वेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें पेशेंट का कोई इतना वेट बढ़ जाता है, इतना वेट बढ़ जाता है कि उनको फिर वो प्रॉब्लम वेट के शुरू हो जाते हैं, घुटनों का दर्द, उसमें हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर, मतलब ओबीस पेशेंट की शुगर भी कंट्रोल नहीं होती। तो उसके लिए जो बेरियाट्रिक सर्जरी उसी के लिए बनी है कि उनका जो स्टोमिक है उसको छोटा कर देते हैं, उसे कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। पेरियाट्रिक के और भी कुछ हैं, बैंडिंग है वो भी एक प्रोसीजर है, उसका गैस्ट्रिक बाईपास है, 3-4 टाइप्स के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। वो पेशेंट का हम BMI देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उसके मुताबिक कौन सी सर्जरी उसको सूट करती है। तो वो अकॉर्डिंगली के वेदर ही और शी इज़ कैंडिडेट फॉर बैंडिंग और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और फॉर द बाईपास सर्जरी। जी, अगर कोई पेशेंट मेरे से कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहता है या कोई वो कंसल्टेशन लेना चाहता है या सर्जरी करवाना चाहता है, तो वो मरहम एक ऐसा इदारा है जो बड़ी खिदमत कर रहा है लोगों की और डॉक्टर्स की भी, तो उसके ज़रिए वो कांटेक्ट कर सकता है। मरहम का ये बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने क्वेकरी को काम करने की कोशिश की है और डॉक्टर्स को डायरेक्ट पेशेंट के साथ और पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ अच्छे रबते मिले हैं।